हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों से कुछ अगेन आप लोगों से अपनी में ज्वेलरी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले रिसेंटली ही मैंने आप लोगों से आर्टिफिशियल ज्वेलरी एग्जीबिशन वीडियो शेयर किया था आप लोगों से, तो उस एग्जीबिशन से मैं कुछ ज्वेलरीज अपने लिए भी लेके आई हूँ। तो मैं ये चाह रही थी कि आप लोगों से शेयर करूँ कि मैंने उस एग्जीबिशन में से किस टाइप की ज्वेलरी परचेज की है, तो ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। उस टॉपिक में आज मैं वीडियो आप लोगों से लेकर के आई हूँ। इससे ये होगा कि आप तो जानते ही हैं, पहले मैं आपसे बताऊँ, आपको तो पता ही है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मुझे कितना क्रेज है। और एक्चुअली में मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी चेंज कर करके बदल के ड्रेस के मैचिंग के हिसाब से पहनना सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं आए दिन अपना आर्टिफिशियल ज्वेलरी परचेज करती रहती हूँ मार्केट से। मैं अब आप लोग से ये शेयर करना चाहती थी कि एक्चुअली मैंने क्या लिया है। बट आपसे पहले मैं बता दूं कि आज मैंने ये बड़ी बिंदी लगाई है। ये मेरे फेस पे एक्चुअली कैसे लग रही है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक्चुअली मैं छोटी छोटी बिंदियाँ मैं काफ़ी दिन से लगा रही थी। एक्चुअली मुझे छोटी बिंदियाँ ही लगाना पसंद है, बट मैंने सोचा कि कुछ आज लुक कुछ अलग किया जाए, सो इस वजह से मैंने आज ये बड़ी बिंदी लगाई है। और मैं सच्ची बता रही हूँ ना, मुझे मतलब ना बिंदी, लिपस्टिक और ये ज्वेलरीज, चूड़ियाँ, कंगन, इस टाइप से चीज़ें ना, मतलब डीसी टाइप से जो चीज़ें होती है ना, ये रियली मैं बता रही हूँ, सीरियसली मुझे बहुत पसंद है। और आपने मेरे जितने भी वीडियोस देखी होंगी, जब भी देखूंगी, मैं डेली में बिंदी लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, गाजर लगाती हूँ। और बस इसमें लुक मैंने, मेरे ख्याल से मुझे काफी दिन हो गए हैं मैंने इतनी बड़ी बिंदी लगाई है। तो ये बड़ी बिंदी एक्चुअली आप लोगों को मेरे फेस पे कैसा लगाई, प्लीज आप मुझे कमेंट करके जो तब बताना मुझ पर कैसी लग रही है बड़ी बिंदी। और मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आती हूँ ना, अगर आप अच्छे से कमेंट मुझे करते हैं तो सीरियसली बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच्ची बताऊं तो मैं इसी से मोटिवेट होती हूं आप लोगों के कमेंट से, मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं अपना 100% आप लोगों को दे सकूं और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूं। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ये सेट है, मैं ये वाला सेट वहां से लेके आई हूँ। एक्चुअली मुझे ये 200 में पड़ा है। 200, आप देखिए इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप से है। ये 200 का पड़ा मुझे, और मुझे ये लगा कि 200 में इतना हैवी लुक में अगर सेट मिल रहा है आर्टिफिशियल, तो ये बहुत अच्छा होगा। एक्चुअली मैंने ये सोचा कि कम से कम 200 में मेरे पास ये ऑप्शन तो रहेगा कम से कम, इसलिए मैं इसको ली। वैसे अगर देखा जाए तो इसके स्टोन कोई खास नहीं है, बहुत अच्छे इसके स्टोन नहीं है, बट यही है कि काफी हैवी लुक दे रहा था। साथ में इसमें इयर रिंग, नथ, मांगटीका सब मिल रहा था, तो मुझे ये लगा कि इतने कम रेट में मेरे पास अच्छा एक ऑप्शन हो जाएगा चेंज करने का। जैसे मैंने आपसे बताया कि मुझे ज्वेलरीज चेंज कर करके पहनना एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए भाई ऑप्शन भी चाहिए होते हैं, तो सारे ऑप्शन होंगे तो ही हम चेंज करके पहन पाएंगे। तो मुझे ये लगा कि प्राइस वाइज ये अच्छा ऑप्शन है, इतना हैवी सेट मिल रहा है, इयर रिंग भी है, साथ में नथ भी है, मांगटीका भी है, तो काफी अच्छा लगा मुझे, तो मैंने एक ये सेट ले लिया। वैसे तो ये ज्वेलरीज मतलब वहां पे कई सारे थे, आपने अगर वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में काफी सारी ज्वेलरीज थी। बट मुझे ये एक्चुअली, मैं आपसे अगेन बता रही हूँ, मुझे हैवी लुक लग रहा था ये देखने में, सो मैंने इसको ले लिया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको ले लिया। और मैं दिखाती हूँ, मैंने और एक सेट लिया है, एक मैंने ये सेट लिया, पैकिंग तो इसकी भी अच्छी नहीं है, आप देखिए पैकिंग इसकी अच्छी नहीं है, बट इसमें छोटी छोटी मोतियां लगी है साइड साइड, किनारे किनारे वाइट वाइट मोतियां लगी, नजदीक से आप देखिए इसको, अच्छा सेट है। और ये मुझे मिला एक्चुअली, सही बताऊं तो ये मुझे सिर्फ रियल रेट में बताऊं आपको इसका, ये मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ में एक्चुअली मिल गया। और 50 रुपीज़ के अगर मतलब अकॉर्डिंग अगर देखें तो काफ़ी अच्छा सेट मिल गया, पतला सा है और सिल्वर लुक में है, इसमें पर्ल लगे हुए हैं, तो मुझे अच्छा लगा एक्चुअली, तो मैंने इसको भी ले लिया। मैंने कहा चलो एक ये मतलब पतला सा सेट कभी कभी पहनने के लिए, और अगर आपने कुछ ऐसे साड़ी पहनी है जिसमें कुछ सिल्वर लुक आपको चाहिए तो ओके टाइप से लगा, तो मैंने इसको भी ले लिया। मैंने कहा चलो एक ये भी ऑप्शन मेरे पास हो जाएगा सिल्वर लुक में, तो मैंने इसको भी परचेज कर लिया। और आपसे मैं दिखाती हूँ, एक ही मैंने मंगलसूत्र लिया, इसके डिजाइन देखिए आप, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये डिजाइन है इसका, लॉकेट देखिए आप, तो मुझे ठीक ठाक लगा। और इसका रेट क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, इसका रेट पता है 150 था। 150 में मुझे इसका एक पेंडेंट बहुत अच्छा लगा, आप देखिए इसका पेंडेंट एक्चुअली बहुत अच्छा, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसको, एक्चुअली ये इस टाइप से इसका लुक है, पेंडेंट देखिए कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा डिजाइन लग रहा है इसका।
और ये इसकी चेन है। तो 150 में काफ़ी अच्छा मिल रहा था ये भी, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, इसलिए क्योंकि जो गोल्ड ज्वेलरीज होती हैं, गोल्ड मंगलसूत्र रहता है वो, तो मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे तो लॉकर में पड़ा ही रह जाता है, वैसे ही लॉकर में पड़ा हुआ है। कभी कभी ही मैंने ऐसे उसको अगर वेयर किया होगा तो किया होगा, नहीं तो मैं ऐसे आर्टिफिशियली पहन लेती हूँ। पहले तो ये सेफ रहता है पहनना, अगर पहन के कहीं आप जा भी रहे हो तो आप बिल्कुल सेफ हो, गिर गया खो गया तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं रहती, और देखने में लुक वाइज भी अच्छे होते हैं ये। तो ये मैंने एक परचेज कर लिया अपने वहाँ से, मंगलसूत्र आई मीन मैंने वहाँ से ही ले लिया, अच्छा लग रहा है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये मंगलसूत्र कैसा लगा, प्लीज़ आप जरूर मुझे बताना, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा मंगलसूत्र जरूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताना, और दिखाती हूँ मैं आपसे। अब एक ये नेल पेंट वहाँ मिला था, टू इन वन वाला ये नेल पेंट है, और ये ग्लिटर वाला दिया हुआ है। तो जहाँ सारे कॉस्मेटिक के सामान थी वहाँ कॉर्नर में, ये भी कुछ कॉस्मेटिक की इस टाइप से सामान भी मिल रही थी, मतलब कोई अच्छा ब्रांड तो नहीं है, मतलब है तो लोकली टाइप से, बट मुझे अच्छा ये लगा कि ये हमें एक साथ हमें दो शेड इसमें मिल जा रहे हैं, एक तो आपको नेल पॉलिश मिल जा रही है और दूसरी साइड आपको ये ग्लिटर टाइप से मिल जा रहा है। तो मैंने ये भी ले ली, और ये मुझे मिला था 50 रुपीज़ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये, आप देखिए 50 रुपीज़ में मिला ये। तो मैंने एक ये परचेज कर लिया वहाँ से, तो मैंने कहा चलो 50 रुपीज़ में हमें दो ऑप्शन मिल रहा है, नील पॉलिश का भी और ग्लिटर टाइप का भी, तो वही मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो एक ये भी ले लेते हैं, फिर मतलब आई मीन कि 50 रुपीज़ में और क्या चाहिए, दो नील पेंट मिल गए भाई। अब लगाने पे तो मैं बता रहा हूँ आपसे, लॉन्ग लास्टिक ये नहीं है, मैंने इसको ट्राई किया, इसको मैंने लगाई, बट ये लॉन्ग लास्टिक बिल्कुल नहीं है। बट अब ले लिया, मैं जानती तो थी नहीं एक्चुअली कि लॉन्ग लास्टिक होगा या नहीं, अच्छा होगा या नहीं, मुझे पता तो था नहीं, बस देखने में अच्छा लगा तो मैंने इसलिए इसको ले लिया। बट अब कोई बात नहीं, कभी कभी लगा ही सकते हैं। तो ये थे जो मैंने एग्जीबिशन से, एक्चुअली टोटल सारे सामान जो मैंने एग्जीबिशन से लिए, और एक्चुअली मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, इसे मैं आप लोगों से शेयर किया मैंने। और ये वीडियो आप लोगों को मेरे कैसा लगा प्लीज़ गाइज आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसी टाइप से वीडियोस मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेकर के आऊँगी। बट आप मेरी हर वीडियो को अपना प्यारा से लाइक करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।